सो हेलो गाइज, सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने और एक न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो लेकर। सो गाइज, आज का जो फोटो एडिटिंग होने वाला है वो चॉकलेट डे के ऊपर होने वाला है। तो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे जो जो भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास मेरा जो बेल आइकन है उसको ऑल में प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया नया फोटो एडिटिंग वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ठीक है? सो गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट ना किए चलिए चलते हैं इंट्रूप के साथ। सो गाइज, सबसे पहले पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है मोबाइल के अंदर। उसके बाद गाइज, इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब जो कुछ भी मैं यूज़ करूँगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो जाएंगे ऐड फोटो का आइकन के अंदर, यानी यहाँ पर जो मॉडल का पीएनजी है सबसे पहले उसको ऐड कर लेंगे एंड इसको अच्छी तरीके से पोजीशन फिक्स करके यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जल्दी पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज क्या करेंगे, जाएंगे कलराइज में एंड इसका जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तकरीबन 9%। उसके बाद गाइज क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव, ठीक है? एंड सेव करने के बाद जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड यहाँ पर जो गर्ल्स का पीएनजी होने वाला है उसको ऐड कर लेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइज कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड के साथ फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है? एंड लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो पैरों के नीचे मैं कुछ शैडो वगैरह नहीं दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट का पीएनजी बिठाने वाला हूँ। तो सिंपली जाएंगे ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड जो चॉकलेट का पीएनजी है सबसे पहले उसको ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद गाइज क्या करेंगे, बैकग्राउंड के साथ फुल स्क्रीन करके बिठा देंगे, ठीक है? उसके बाद गाइज लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड दूसरी जो चॉकलेट का पीएनजी है उसको भी ऐड कर लेंगे। सो गाइज, देख सकते हो मैंने इसको भी ऐड कर लिया एंड इसको भी कर दूंगा बैकग्राउंड के साथ फुल स्क्रीन। उसके बाद जाएंगे कलराइज में ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, ब्राइटनेस को 10% इंक्रीज कर लेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को 10% डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाएंगे क्लियरिटी के अंदर एंड इसको भी 16% इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हाईलाइट कलर के अंदर एंड इसको इंक्रीज कर लेंगे 7% एंड आ जाएंगे शेडो वाला ऑप्शन के अंदर, ठीक है गाइज? एंड शेडो को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना 9% एंड कलर वाला ऑप्शन के अंदर आएंगे एंड इसको इंक्रीज कर लेंगे 36%। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड यहाँ पर एक चॉकलेट का पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड इसको कर लेंगे रूटेड। एंड रूटेड करने के बाद गाइज क्या करेंगे, जो मॉडल का हैंड है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर बिठाएंगे। एंड गाइज बिठाने के बाद गाइज क्या करेंगे, इसका जो ऊपर सेटी है उसको कम कर लेंगे कुछ इतना, ठीक है? एंड लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पर इरेजर का जो आइकॉन है, इरेजर का आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, कुछ इतना, एंड साइज अपने मुताबिक से रख सकते हो। उसके बाद गाइज जो फालतू हिस्सा है इसको हम इरेज कर लेंगे कुछ स्टेप से, तो मैं यहाँ पर जल्दी कर लेता हूँ। सो गाइज, देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से इरेज कर लिया। उसके बाद गाइज क्या करेंगे, फिर से ऊपर शेडो कर देंगे फुल 100 एंड लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड जो लास्ट जो टेक्स्ट पीएनजी है चॉकलेट डे का उसको भी ऐड कर लेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइज अच्छी तरीके से पोजिशन फिक्स करके बिठा लेंगे एंड बिठाने के बाद गाइज जाएंगे कलराइज में एंड इसका जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 8% एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड क्लियरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना, ठीक है? एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड जो कलर है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 20%। उसके बाद गाइज लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर देंगे सेव। तो गाइज पूरी तरीके से फोटो एडिटिंग हो चुका है पिक्सार्ट के अंदर। तो इस फोटो को फुल एचडी सेव करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे डॉट टूल के अंदर एंड लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे तो गैलरी में फोटो सेव हो जाएगा। सो गाइज, इस फोटो को थोड़ा सा कलर कलेक्शन करने के लिए जाएंगे लाइट रूम के अंदर। तो गाइज यहाँ पर लाइट रूम को ओपन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद गाइज क्या करेंगे,
जाएंगे ऑल फोटो का आइकन के अंदर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद गाइज राइट साइड में नीचे देख सकते हो प्लस ऐड फोटो का जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जो पिक्सल से फोटो एडिट किया उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड एक DNG प्रीसेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस दोनों को गाइज ऐड कर लेंगे एंड गाइज देख सकते हो ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले जो पिक्सल से फोटो एडिट किया उस फोटो को यहाँ पर ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो ये देख सकते हो DNG प्रीसेट, तो इसका कलर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कलर कॉपी करने के लिए गाइज क्या करेंगे, राइट साइड में ऊपर देख सकते हो 3 डॉट, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नीचे देख सकते हो कॉपी सेटिंग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जितना भी है सबको गाइज ऑन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो पूरी तरीके से कलर कॉपी नहीं हो पाएगा इस DNG प्रीसेट से। ठीक है, उसके बाद गाइज राइट साइड में ऊपर देख सकते हो टिक मार्क है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर कॉपी हो जाएगा एंड जो पिक्सल से फोटो एडिट किया उस फोटो को यहाँ पर ले आएंगे एंड जाएंगे फिर से उस 3 डॉट के ऊपर एंड इस 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद गाइज नीचे देख सकते हो कॉपी सेटिंग के नीचे पेज सेटिंग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था सबसे पहले एंड लाइट रूम पर एडिटिंग करने के बाद कैसा बन चुका है। ठीक है, तो इस फोटो को फुल HD सेव करने के लिए गाइज क्या करेंगे, CR वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे ऊपर एंड सेव टू डिवाइस कर लेंगे, तो गैलरी में फुल HD में सेफ हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ज़्यादा से वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं मिलता हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।